नमस्कार, मैं शेफ कालू सिंह गुर्जर और एक पिज़्ज़ा लेके आ रहे हैं। बहुत पॉपुलर पिज़्ज़ा है, बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है, जिसको आपने बार बार सुना है, बार बार देखा है, बार बार बनाया है। ओटीसी पिज़्ज़ा, जिसको ऑनियन टमाटो कैप्सिकम पिज़्ज़ा बोलेंगे हम लोग, यानी कि हाउ टू मेक ऑनियन टमाटो कैप्सिकम पिज़्ज़ा, ओटीसी पिज़्ज़ा जिसको बोलेंगे। तो मैं उसके इन्ग्रीडियंट्स आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ऑनियन हो गया, ये इस तरीके से, ये हमने ऑनियन जूलियन काट लिया, ये टमाटो हो गया, ये कैप्सिकम हो गया जिसको हम ओटीसी बोलते हैं, ये हमारा चिली फ्लेक्स हो गया, ये ऑर्गेनो हो गया, ये ब्लैक ऑलिव, ये ग्रीन ऑलिव, और ये पिज़्ज़ा चीज़ हमारा जो मोज़रेला पिज़्ज़ा चीज़ आता है, और ये सॉस मैंने आपको पहले भी बता रखा है इसका जो सॉस कैसे बनाना है हमने, तो वो भी मैंने आपको वीडियो बना के डाल रखा है, उसमें जाके देख लेना। तो अभी फ़िलहाल अपन जो बना रहे हैं, यानी कि ऑनियन टमाटो कैप्सिकम पिज़्ज़ा किस तरीके से बनाना है, जिसको हम ओटीसी पिज़्ज़ा बोलेंगे। तो सबसे पहले ये सारे इन्ग्रीडियंट्स होने के बाद, ये पिज़्ज़ा बेस है जिसको हम थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बोलेंगे। ये इस तरीके से आपको पहले एक साइड से सेक लेना है, और दूसरी साइड से तो हल्का सा कलर देने के बाद आपको इस तरीके से इस पर टमाटो केचप लगाना है, या और सॉस भी लगा सकते हो आप, अगर सॉस बना सकते हो। सॉस कैसे बनाना है वो मैं आपको रेसिपी बता दूंगा, और वैसे हमने वीडियो भी बना के डाल रखा है पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाना है, वो भी कर सकते हो आप। उसके साथ साथ आपका ये भी हो गया, ये इस तरीके से आपको सॉस लगा देना है पिज़्ज़ा का। सबसे पहले कहीं से भी पिज़्ज़ा आपका है जो बिना सॉस का नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो सॉस है उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ आपका वो नहीं लगेगा सॉस, पिज़्ज़ा का जो बेस सॉस जो होता है वो नहीं लगेगा, तो आपका स्वाद में डिफरेंट रहेगा। ये हो गया, ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले या तो आप ऑनियन टमाटो कैप्सिकम अलग अलग भी डाल सकते हो, ये जैसे हमने ऑनियन डाल दिया, ये जैसे हमने टमाटर डाल दिया, ये अलग अलग, और ये हमारा कैप्सिकम हो गया जिसको हम ऑनियन टमाटो कैप्सिकम पिज़्ज़ा बोलते हैं, ओटीसी पिज़्ज़ा बोलते हैं जिसको। ये इस तरीके से आप कर सकते हो, एकदम अच्छे से आराम से आप बना सकते हो। ये इस तरीके से काफ़ी सारा ऑनियन कैप्सिकम और टमाटो लगा के, अकॉर्डिंग टू आपका पिज़्ज़ा का साइज है उसके अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल्स लगा सकते हो, यानी कि ऑनियन टमाटो कैप्सिकम लगा सकते हो। ये हो गया, ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो आपको क्या करना है, ये आपका चिली फ्लेक्स थोड़ा सा इसी के अंदर डाल देना है आपको, और ऊपर से ये चीज़ डाल देना है उसके बाद। तो ये चीज़ हो गया, ये इस तरीके से चीज़ डाल देना है, ये इस तरीके से चीज़ डाल देना है। तो ये हमने चीज़ डालने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे इस तरीके से, ज़्यादा अगर चीज़ लेते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा फैट की मात्रा हो जाएगी, ये इतनी क्वांटिटी में आपको चीज़ डाल देना है। चीज़ डालने के बाद आपको ऊपर से हल्का सा ये ऑर्गेनो डाला हमने, हल्का सा ये आपका चिली फ्लेक्स, दो से तीन पीस हमने ये ब्लैक ऑलिव, और ये हमारा ग्रीन ऑलिव दो तीन पीस, ये इस तरीके से। और उसके बाद जो आप पिज़्ज़ा ओवन है मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये पिज़्ज़ा सेकने के लिए हमारी इस तरीके की जो जाली आती है उस पर लगा सकते हो आप, ये इस तरीके से जैसे मैंने लगाया है, ये हो गया। उसके बाद ये हमारा ओवन है, ओवन में आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से डाल सकते हो, ये हमने डाल दिया। इसका टेम्परेचर होना चाहिए 250, यानी कि 250 होना चाहिए, और 100 नीचे का होना चाहिए, ताकि नीचे से भी गर्म रहेगा। इसमें ये टेम्परेचर रोटेट करने का है, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो ऐसे इस तरीके से काफ़ी सारे मैंने पिज़्ज़ा वेजिटेबल, आपका मार्गेटा हो गया, आपका पनीर टिक्का पिज़्ज़ा हो गया, वेजिटेबल पिज़्ज़ा हो गया, बहुत सारे पिज़्ज़े मैंने अभी इसी चैनल पर और इसी पर वीडियो मिलेंगे आपको, तो वहाँ देख के भी आप काफ़ी सारे पिज़्ज़ा बना के खा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल आपको जो पिज़्ज़ा देखना है ऑनियन टमाटो कैप्सिकम पिज़्ज़ा का, आपको मैंने बेस बता दिया कैसे पिज़्ज़ा बनाना है, हमने कैसे प्रेजेंट करना है, पिज़्ज़ा का बेस कैसे बनाना है, वो भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप 5 मिनट इंतज़ार करो, उसके बाद आपका पिज़्ज़ा बन के बाहर आएगा।
ये हमारा ओनियन टमाटो कैप्सिकम पिज़्ज़ा तैयार हो गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OTC पिज़्ज़ा, OTC ओनियन टमाटो कैप्सिकम पिज़्ज़ा। बहुत ज़बरदस्त लुक, लाइक आपको देखते ही ऐसा लग रहा होगा कि वाह करके मज़ा आ जाएगा। आपको इस तरीके का पिज़्ज़ा बना के खा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। कि हमने इसको कट कैसे करना है, सर्व कैसे करना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये हमारा पिज़्ज़ा सर्व करने का है, जिसको हम इसका वो बोलेंगे। तो ये हो गया तैयार, ये हमारा पिज़्ज़ा कटर है, इस तरीके के जो पिज़्ज़ा कटर्स, जिसको हम पिज़्ज़ा कटर बोलेंगे। अब आपके डिपेंड करता है आप कितने पीसेस करते हैं, 6 to 8 पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसको। जैसे ये 4 पीस हो गया, और 4 to 8 पीस कर सकते हो ये इस तरीके से। तो ये इस तरीके से, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरीके से हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया। तो ये ओनियन टमाटो कैप्सिकम पिज़्ज़ा इस तरीके से बनके रेडी हो गया। तो आप इस तरीके से बना के खा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। और इन्जॉय के साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर सकते हो, और नहीं भी किया है तो आप अभी भी कर सकते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा। और उसके लिए थैंक यू सो मच।